वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगारेक्विजा वर्सेस शाइनी मेगारेक्विजा में कौन जीतेगा। एंड गाइस ये वीडियो थोड़ी हटके भी है क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल पर ऐसी वीडियो पोस्ट नहीं की है। सो यार ये वीडियो वर्सेस वीडियो ही है लेकिन बहुत अलग है क्योंकि गाइस आज हम रेक्विजा के ही दो फॉर्म्स को कंपेयर करने वाले हैं कि इन दोनों फॉर्म्स में ज्यादा बेहतर कौन है। गाइस पहले बता दूं कि आपको अगर ये लगता है कि ये दोनों सेम है तो गाइस आप गलत हैं, ये दोनों सेम नहीं है। शाइनी रेक्विजा एंड ओरिजिनल रेक्विजा एक तरह से अलग अलग है। एंड यस गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में एक नहीं दो रेक्विजा एग्जिस्ट करते हैं। सो यार इन दोनों की कंपैरिजन थोड़ी टफ होने वाली है। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो यार, 100K की बहुत क्लोज है हम सब। सो प्लीज गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाइनी रेक्विजा के बारे में। गाइस शाइनी रेक्विजा रेक्विजा का ही एक अलग फॉर्म है जिसमें वो ब्लैक कलर में रहता है। एंड गाइस शाइनी रेक्विजा का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में। एंड सच में गाइस उस मूवी में शाइनी रेक्विजा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। उस मूवी में एक तरह से जब शाइनी रेक्विजा मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब यहाँ पे शाइनी मेगा रेक्विजा ने एक तरह से अकेले ही सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट की थी हुपा अनबाउंड केवल पावर से वर्ल्ड को बचाने के लिए। एंड सच में गाइस उस मूवी में हमने शाइनी रेक्विजा की ट्रू पावर देख ली थी। गाइस शाइनी रेक्विजा ने अकेले ही यहाँ पे प्राइमल कायोगर, प्राइमल ग्राउडॉन, डियाल्गा, पालकिया, गिरेटिना, व्हाइट क्यूरम को एक ही ट्विस्टर से हैंडल कर लिया था। एंड एक तरह से पूरी हुपा की आर्मी उस ट्विस्टर को ब्रेक नहीं कर पाई थी। अगर हुपा की आर्मी के पास हुपा अनबाउंड का सपोर्ट नहीं होता तब डेफिनेटली वो ट्विस्टर नहीं टूटता क्योंकि एक तरह से हुपा अनबाउंड के अलावा किसी पोकेमॉन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो रेक्विजा का ट्विस्टर तोड़ पाए। एंड गाइस शाइनी रेक्विजा ने उस मूवी में काफी सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स को भी यूज किया जैसे कि हाइपर बीम, ड्रैगन पल्स, ड्रैगन असेंट और ट्विस्टर। और उस मूवी में एक तरह से शाइनी रेक्विजा की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी थी, इनफैक्ट हुपा अनबाउंड से भी अच्छी क्योंकि एक साथ अकेले सारे लेजेंडरी पोकेमॉन का सामना करना आई थिंक कोई छोटी बात नहीं है भाई, यह एक बहुत बड़ी बात है। एंड अकेले 6 लेजेंडरी प्लस 1 मिथिकल पोकेमॉन का सामना करना तो सच में किसी भी पोकेमॉन के लिए आसान नहीं है। एंड सिर्फ अपने एक मूव से ही 6 लेजेंडरी प्लस 1 मिथिकल पोकेमॉन के सारे मूव्स को एनकाउंटर कर देना वो भी 2 टर्न के लिए, ये एक सच में बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक ही ट्विस्टर से रेक्विजा ने डियाल्गा की रोर ऑफ टाइम, पालकिया की स्पेशल रेंज, गिरेटिना के ऑरा स्फीयर, क्यूरम की ड्रैगन पल्स, प्राइमल ग्राउडॉन की फ्लेम थ्रोअर, प्राइमल कायोगर की ओरिजिन पल्स, हुपा अनबाउंड की डार्क पल्स, इन सभी अटैक को एक साथ रोक लिया था वो भी 2 टर्न तक। और गाइस मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई उस ट्विस्टर में लाटियोस एंड लाटियास की साइकिक पावर भी थी इसलिए उस ट्विस्टर इतनी देर तक टिक गया था, लेकिन गाइस मेरा ऐसा मानना है कि लाटियोस एंड लाटियास ने सिर्फ और सिर्फ 5% ही हेल्प की होगी उस ट्विस्टर को कायम रखने के लिए क्योंकि खुद सोचिए अगर वो ट्विस्टर लाटियोस एंड लाटियास की साइकिक पावर्स के साथ कायम था तो वो ट्विस्टर रेक्विजा पर अटैक होने से कैसे टूट गया। सो यार गाइस शाइनी रेक्विजा एक तरह से बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। अब बात करते हैं हम नॉर्मल रेक्विजा के बारे में जो कि ओरिजिनल रेक्विजा। गाइस ओरिजिनल रेक्विजा भी कुछ कम नहीं है, ओरिजिनल रेक्विजा की परफॉर्मेंस भी एक तरह से काफी अच्छी रही है पूरे के पूरे पोकेमॉन एनिमे में। ओरिजिनल रेक्विजा एक तरह से 2 एपिसोड में आया है जो है मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 2 एंड मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 3। और इन दोनों एपिसोड में ओरिजिनल रेक्विजा की परफॉर्मेंस एक तरह से बहुत अच्छी रही है। इन दोनों एपिसोड में उसने अलान के मेगा चार्जर्ड, स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस, प्राइमल ग्राउडॉन, प्राइमल कायोगर को अकेले हराया है। गाइस इन दोनों एपिसोड में रेक्विजा ने काफी सारे पावरफुल मूव्स को यूज किया जैसे कि ड्रैगन असेंट, ड्रैको मीटियर, ड्रैगन पल्स एंड हाइपर बीम। एंड गाइस अगर एक चीज देखें तो इस रेक्विजा की अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके एक ही ड्रैगन पल्स ने सारी मशीन्स डिस्ट्रॉय कर दी, इसके एक ही ड्रैको मीटियर ने पूरे किले को तबाह कर दिया था। एंड गाइस इसके एक ही हाइपर बीम ने प्राइमल कायोगर जैसे भारी भरकम पोकेमॉन को भी उड़ा दिया था। एंड प्लस यहाँ पर इसके एक ही ड्रैगन असेंट ने लगभग 3000 फीट तक एक्सप्लोजन कर दिया था एंड प्राइमल ग्राउडॉन एंड प्राइमल कायोगर दोनों को ही 1 हिट नॉकआउट कर दिया। इसीलिए गाइस इस रेक्विजा की एक तरह से अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा है। एंड अगर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो यार कुछ ज्यादा ही है, आई मीन ज़ाइगार्ड से भी ज्यादा है। सोच लो भाई कितनी होगी इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्योंकि इसे 6 प्रेसिपाइज ब्लेड से भी खरोंच तक नहीं आई। एंड एक ही ड्रैगन असेंट से इतना बड़ा एक्सप्लोजन किया जिसमें हम लगभग 100 रेक्विजा फिट कर सकते हैं। एंड गाइस एक तरह से ये रेक्विजा बहुत ज्यादा ही टेरिटोरियल है क्योंकि जैसा कि हमने देखा था मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 2 के एपिसोड में जहां पर लाइसेंडर ने जायंट रॉक को खोज निकाला था एंड उसकी पावर को एक्टिवेट किया था तब रेक्विजा को लगा था कि उसके तरफ कोई खतरा आ रहा है, कोई उसके लिए टेरिटोरियल थ्रेट बन गया है। एंड उसके बाद रेक्विजा ने जो तबाही मचाई थी भाई वो तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। सो या गाइस इन दोनों ही पोकेमॉन की पावर एक तरह से बहुत ज्यादा ही दिखा दी गई है। एंड बिना किसी डाउट के रेक्विजा की इन दोनों फॉर्म्स की पावर पोकेमॉन एनिमे के किसी भी पोकेमॉन से ज्यादा दिखाई गई है क्योंकि इतनी ज्यादा पावर किसी पोकेमॉन की आज तक हमने नहीं देखी है। तो चलिए गाइस फाइनली बढ़ते हैं अब हमारे कंक्लूजन की तरफ कि मेगा रेक्विजा वर्सेस शाइनी मेगा रेक्विजा में कौन जीतेगा। तो गाइस अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से इन दोनों की फाइट का विनर होगा ओरिजिनल रेक्विजा क्योंकि गाइस एक तरह से ओरिजिनल रेक्विजा की पावर ज्यादा दिखाई गई है एज कम्पेयर टू शाइनी रेक्विजा। एंड गाइस इसके एक नहीं इसके कई सारे रीजंस है कि आखिर यहां पे ओरिजिनल रेक्विजा शाइनी रेक्विजा से ज्यादा पावरफुल क्यों है। क्योंकि गाइस एक तरफ अगर हम देखें तो शाइनी रेक्विजा की परफॉर्मेंस भले ही अच्छी थी लेकिन उतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं रही, जहां पर इसके ड्रैगन असेंट से भी उतना कुछ खास बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, एक्सप्लोजन छोड़ो भाई एक बिल्डिंग तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी एंड प्लस गिरेटिना ने उसे काफी आसानी से सह भी लिया था। एंड गाइस हमारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इस समय रेक्विजा ने फुल पावर से ड्रैगन असेंट यूज नहीं किया था क्योंकि जितनी भी हाई स्पीड ड्रैगन असेंट यूज हुई है वो ओरिजिनल रेक्विजा ने की है ना कि शाइनी रेक्विजा ने, लेकिन वहीं हमें कोई डाउट नहीं है कि ओरिजिनल रेक्विजा का ड्रैगन असेंट कितना पावरफुल है। एंड गाइस इस रेक्विजा के ड्रैगन असेंट को सहना नियरली इम्पॉसिबल के बराबर है क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई स्पीड से आती है एंड ओपोनेंट को चीरती हुई निकल जाती है। एंड गाइस और भी कई सारे रीजन
रीजंस है। जैसे कि जरा इसे देखो, जब यहाँ पे शाइनी रेक्विजा ने प्राइमल कायगर पे हाइपर बीम इस्तेमाल किया तो प्राइमल कायगर को उतना कुछ खास डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन वहीं जहाँ पर ओरिजिनल रेक्विजा ने एक बार हाइपर बीम इस्तेमाल की तो प्राइमल कायगर की बत्ती गुल हो गई थी। एंड गाइज, एक तरह से ओरिजिनल रेक्विजा की परफॉर्मेंस शाइनी रेक्विजा से ज़्यादा अच्छी रही है। मैं जानता हूँ शाइनी रेक्विजा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इनफैक्ट हद से ज़्यादा पावरफुल है, बट स्टिल ओरिजिनल रेक्विजा शाइनी रेक्विजा से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि गाइस, एक तरह से तो उसकी अटैक पावर इतनी ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन वहीं अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी में भी यहाँ पे शाइनी रेक्विजा उतना आगे नहीं है। जहाँ पर शाइनी रेक्विजा एक तरह से हुपा इन द क्लैश ऑफ पेजेस मूवी में सिर्फ 3 अटैक में ही नॉकआउट हो गया था। नॉकआउट नहीं, लेकिन घायल तो हो ही गया था यार, क्योंकि यहाँ पे जब उस पे ह्यूरम ने अपनी आइस पावर इस्तेमाल की और उसके बाद जब हुपान मोन ने शैडो बॉल हिट किया एंड फाइनली यहाँ पे जब उसे पालकिया का ड्रैगन पल्स हिट हुआ तब यहाँ पर वो घायल हो गया था। लेकिन ओरिजिनल रेक्विजा के बारे में हमें कोई डाउट नहीं कि वो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, जहाँ पर उसने प्राइमल ग्राउडन की इरप्शन अटैक एंड प्लस 6 प्रेसिपाइज ब्लेड को भी सह लिया, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। एंड अगर सही बताऊँ तो प्राइमल ग्राउडन प्राइमल कायगर ओरिजिनल रेक्विजा की एक तरह से 5% टच भी कम नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद ओरिजिनल रेक्विजा बिल्कुल नॉर्मल हालत में था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने बैटल किया है, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई खरोंच भी नहीं आई थी एंड प्लस यहाँ पर वो थका हुआ भी नहीं लग रहा था। एंड गाइस, अगर आपको अब भी यकीन नहीं है कि ओरिजिनल रेक्विजा ज्यादा पावरफुल है तो जरा इसे देखिए। अगर आपको याद हो तो जब शाइनी रेक्विजा ने ट्विस्टर क्रिएट किया था तब उसने बादलों को क्रिएट नहीं किया था, वो सिर्फ बादलों को नीचे लेकर आ गया था, और नीचे लेकर आने के लिए भी उसे ऊपर जाना पड़ा था और गोल गोल घूमना पड़ा था और उसका ट्विस्टर मूव भी यूज करना पड़ा था। जबकि यहाँ पे ओरिजिनल रेक्विजा की अपीयरेंस में ही इतनी ताकत थी कि उसके आने के कारण ही बादल क्रिएट हो गए, नीचे नहीं आए, डायरेक्टली क्रिएट ही हो गए। एंड गाइस, ओरिजिनल रेक्विजा की रोर में ही इतनी ताकत थी कि उसकी रोर करने के कारण ही आसमान से बिजली गिरना स्टार्ट हो गई थी, और ये सारे काम ओरिजिनल रेक्विजा ने अपने बेस फॉर्म में किया है, ना कि मेगा फॉर्म में, जबकि शाइनी रेक्विजा अपने मेगा फॉर्म में था। सो या गाइस, एक तरह से शाइनी रेक्विजा बहुत कूल दिखता है अपने ब्लैक कलर में, लेकिन पावर के मामले में ओरिजिनल रेक्विजा उससे कई गुना आगे है। तो गाइस, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। गाइस, आपके हिसाब से इन दोनों में कौन जीतेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन गाइस मेरे ओपिनियन में इस मैच का विनर ओरिजिनल रेक्विजा रहेगा। तो गाइस, कैसे लगे आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड प्लीज भाई लोग यार सब्सक्राइब करो, बहुत क्लोज है हम लोग 100K के, सो प्लीज गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।